हाय दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किस तरह SBI में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास नॉर्मल अकाउंट यूज़ करते हैं, मतलब कि आप एक जनरल अकाउंट सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उससे हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए पहले ऑनलाइन ओपन करते हैं SBI का नेट बैंकिंग, जैसे मैंने सर्च मारा। उसके बाद आपको जाना है पर्सनल बैंकिंग में। पर्सनल बैंकिंग जाने के बाद यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दोबारा पहुँचेगा, जो वहाँ के आप लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ गया इंटरफेस, और यहाँ आपको ये जो कंटिन्यू लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ इस तरह का तीन सिस्टम आ गया, मतलब पहले था यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड, बट अब आ गया है टैक्स। तो पहले आपको डालना है यूज़र नेम, तो मैं सब चीज़ डाल के मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का आपके सामने आएगा इंटरफेस, और यहाँ आपको जाना है सीधा ई सर्विस में, क्योंकि तो हम लोग को अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड के, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ई सर्विस में, क्योंकि ये फैसिलिटी आपके इंटरनेट बैंकिंग में दे दिया गया है। पहले नहीं था बट अब आ चुकी है। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद देखिए यहाँ थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ है अप्लाई SBI क्रेडिट कार्ड। अब हमारे पास है नॉर्मल अकाउंट, और आपके पास शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास भी होगा एक नॉर्मल अकाउंट, इससे अपर क्लास का अकाउंट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें नॉर्मल अकाउंट में आप चेक करते हैं, तो क्लिक कर दिया इस लिंक पर, और कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खोलेगा, जहां आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल, ये देखिए यहाँ लिखी आ गया ऊपर में अप्लाई क्रेडिट कार्ड। तो इसको जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो उसको आप करीबी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि एक नॉर्मल अकाउंट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना क्या है नहीं है आपको पता नहीं है, तो उस वीडियो को आप वॉच करते रहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ डायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये लॉग आउट हो जा रहा है। मतलब ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ से आपके नॉर्मल अकाउंट में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये थी क्रेडिट कार्ड को चेक करने का कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल है आपका अकाउंट या नहीं है। और दूसरे में क्या है कि देखिए अभी के टाइम में आप ऑनलाइन ही अपने यूजर आईडी को लॉक कर और अनलॉक कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले बनाया था, बट उसमें सिर्फ लॉक का बताया गया था। बट आप ये देखिए यहाँ एक न्यू चीज़ आया हुआ है, जो लिखा हुआ है बेटर कंट्रोल सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट, यू कैन लॉक एंड अनलॉक योर INB एक्सेस थ्रू लिंक, लॉक एंड अनलॉक यूजर अवेलेबल इन द बॉटम पेज। मतलब ये जो बता रहा है ना, इसके नीचे देखिए जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए एक रेड कलर का आता है लॉक एंड अनलॉक यूजर नाम का ये लिंक, उस पर जब क्लिक कीजिएगा आप तो यहाँ देखिए एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। न्यू इंटरफेस में यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, ये बता रहा है एरर पेज। तो हम दोबारा इसको खोल लेते हैं, और दोबारा खोलने के बाद यहाँ देखिए बार बार बता रहा है एरर पेज, यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि फ़िलहाल ये काम नहीं कर रही है। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, सर्वर इशू बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक करके यहाँ से जाके आप लॉक एंड अनलॉक अपने यूजर आईडी को कर सकते हैं बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स ये आज की छोटी सी वीडियो थी, जो कि आपने बहुत कुछ सीखा इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलते रहेगा और बहुत सारे टेक्निकल वीडियो यहाँ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।